हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके इस चैनल में। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी सीएससी वीएलई के लिए गुड न्यूज़ है। सीएससी के माध्यम से आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, वो भी आप लोग सिर्फ 5 मिनट के अंदर, यानी कि आप किसी भी कस्टमर को अकाउंट ओपन करते हैं जहाँ पर आप लोग को 5 मिनट के अंदर ही अकाउंट नंबर और साथ में आप लोग को वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा। सो इस वीडियो में आप लोग को कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि आप किस प्रकार से सीएससी के माध्यम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, चाहे कि आप लोग के पास बैंक बीसी हो या फिर नहीं हो। यहाँ पर आप लोग वीडियो केवाईसी के माध्यम से आप यहाँ पर फुल केवाईसी करके अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सीएससी ई गवर्नमेंट के तरफ से ट्वीट करके बताया गया था कि कंग्रेचुलेसन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वन द एसोसिएशन ऑफ सीएससी फाउंडेशन डे वी अनाउंसमेंट वी केवाईसी अकाउंट ओपनिंग फॉर ऑल आईडीबीआई बैंक। यानी कि यहाँ पर बता दें, सीएससी दिवस पर सीएससी ने एक यहाँ पर लॉन्च किया गया है जो कि अकाउंट ओपनिंग आईडीबीआई बैंक है। यहाँ पर आप सभी को बता दें कि बेसिकली जो भी ये पोस्टर है आईडीबीआई बैंक के माध्यम से यहाँ पर लॉन्च किया गया है, लेकिन जो भी है यहाँ पर आप कस्टमर को एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और साथ में आप आईडीबीआई बैंक का भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि एक वीडियो केवाईसी के माध्यम से अकाउंट ओपन होगा। और इसमें अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो अच्छा खासा इनकम भी हो जाएगा और साथ में आप लोगों का अकाउंट नंबर भी इंस्टेंट मिल जाएगा। सो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि आप किस प्रकार से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सर्च के ऑप्शन में लोन बाज़ार लिखकर आप लोग सर्च करके आ जाना एंड यहाँ पर आप लोग लॉगिन हो जाना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे अपना सीएससी आईडी एंड साथ में पासवर्ड, उसके बाद आप अकाउंट ओपनिंग के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो एक्सिस लिखकर आप लोग को आएगा। यहाँ पर आप लोग को बताते हैं अपडेट अभी नहीं हुआ है। कभी कभी आप लोग को एचडीएफसी एंड साथ में यहाँ पर एक्सिस बैंक भी देखने को मिलेगा और आईडीबीआई। यहाँ पर आप लोग जैसे भी एक्सिस बैंक भी केवाईसी अकाउंट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे एंड जिस अकाउंट को आप ओपन करेंगे उसका फीचर्स यहाँ पर बताया गया कि इनिशियल फंडिंग यहाँ पर कितना, जो भी एजी एक्सेस प्राइम लेबोरेटरी यहाँ पर बताया गया कि कितना अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट करना होता है एंड अकाउंट ओपनिंग टाइम, सारी चीज़ों को यहाँ पर से मैनेज किया गया। और एवरेज जो भी मेंटेनेंस बैलेंस है उसको भी यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं एंड जो भी अकाउंट क्लोजर है उसका भी डिटेल आप यहाँ पर से देख सकते हैं। बेसिकली इस डिटेल को आप लोग को एक बार अच्छे से रीड कर लेना है एंड जिस भी व्यक्ति को आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसका इस स्कीम के बारे में बता देना। अकाउंट बहुत ही आप इजी प्रोसेस से ओपन कर सकते हैं, जो कि 4 स्टेप। सबसे पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड को वेरिफिकेशन करना होता है, उसके बाद यहाँ पर से डिटेल को फिल करना होता है और उसके बाद वीडियो केवाईसी के माध्यम से कंप्लीट करना होता है। उसके बाद यहाँ पर से कुछ फंड यानी कि कुछ अमाउंट को ऐड करना होता है, देन आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस किस प्रकार से है चलिए आप लोगों को कंप्लीट दिखाते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग करने के लिए वीडियो केवाईसी अकाउंट ओपनिंग है, जहाँ पर से आप लोगों को कस्टमर का, जिस भी कस्टमर का आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसका आप लोग को यहाँ पर से कस्टमर का फुल नेम इंटर करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर से उनका जो भी पैन कार्ड नंबर है उसे आप यहाँ पर से इंटर करेंगे एंड पैन कार्ड नंबर आप जैसे ही इंटर करेंगे उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से कस्टमर का मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। यहाँ पर से आप मोबाइल नंबर आप जैसे ही इंटर करेंगे तो इससे पहले आप लोग को यहाँ पर से चलिए पैन कार्ड नंबर यहाँ पर से कंप्लीट इंटर कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर से जो भी कस्टमर का मोबाइल नंबर उसे आप यहाँ पर से इंटर कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर से प्रोडक्ट के ऑप्शन में अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सेविंग सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर से सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर से आप लोग को कन्फर्मेशन दिया जाएगा, जिसके लिए आप लोग को यहाँ पर से नाम सारा चीज़ रहेगा, पैन कार्ड नंबर और साथ में कस्टमर मोबाइल नंबर और प्रोडक्ट। यहाँ पर से कंफर्म के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर से जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर से इंटर किए हैं उस मोबाइल नंबर में यहाँ पर से OTP सेंड कर दिया गया है, उस OTP को आप यहाँ पर से जैसे ही इंटर करेंगे उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर से OTP रिसीव हो चुका है एंड यहाँ पर से OTP इंटर कर देते हैं एंड सबमिट के ऑप्शन में सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद अकाउंट ओपन का प्रोसेस ओपन हो जाता है। अकाउंट ओपन प्रोसेस होने से पहले आप लोग को यहाँ पर से अकाउंट ओपन का स्टेप को बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जर्नी इनिशियल, यहाँ पर बताया गया कि आप जो भी अकाउंट ओपन करेंगे वो इंस्टेंट आप लोग को डिजिटल अकाउंट ओपन होगा, जहाँ पर से अकाउंट नंबर और साथ में वर्चुअल डेबिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहले स्टेप वन में ई केवाईसी के माध्यम से पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर आप लोग इंटर करके प्रोसीड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। सेकेंड में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फैमिली और एड्रेस को मेंशन करके यहाँ पर से आप लोग कंप्लीट करेंगे एंड तीसरा ऑप्शन आ जाता है कि आप लोग को यहाँ पर से
जो भी है वो वीडियो केवाईसी के माध्यम से आप लोग केवाईसी कंप्लीट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर से आप लोग जैसे केवाईसी को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद आप लोग यहाँ पर से फंडिंग कर सकते हैं, यानी कि अमाउंट को ऐड करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर से अकाउंट ओपन सक्सेसफुली हो जाएगा, जो कि अकाउंट नंबर और साथ में यहाँ पर से नेम और साथ में कस्टमर आईडी आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर से फॉलो करके आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इन बात आती है कि आप लोगों को इसके बाद का प्रोसेस आप लोग को करना क्या होता है। इससे पहले आप लोग देख सकते हैं कि वीडियो केवाईसी लिंक आप लोग अकाउंट ओपन हैज़ बिन सेंड टू मोबाइल नंबर, यानी कि आप लोग को जो भी मोबाइल नंबर फिल किए हैं उसमें आप लोग को एक लिंक सेंड कर दिया जाता है एंड उसका आप लोग देख सकते हैं वीडियो केवाईसी अकाउंट, और इस लिंक में आप लोग को क्लिक करने के लिए होता है एंड उसके बाद आप लोग क्लिक करके इसमें ओपन करेंगे एंड आगे का प्रोसेस आप लोग को बेसिक सा इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए होता है एंड कस्टमर को वीडियो केवाईसी में पैन कार्ड और आधार कार्ड फिजिकल दिखाने के लिए होता है। उसके बाद सक्सेसफुल अकाउंट को ओपन हो जाता है एंड इसका जो भी फिजिकल पासबुक एंड डेबिट कार्ड होता है बाई पोस्ट सेंड कर दिया जाता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।